एमएनएस न्यूज लाइव पर देखते हैं कुछ आज की बड़ी खबरें। बगावत से सभी पार्टियां टेंशन में। अकोला जिला में 5 विधानसभा चुनाव क्षेत्रों में कोई चुनाव क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां विविध राजनीतिक पार्टियों के अधिकृत प्रत्याशियों के साथ साथ कई राजनीतिक पार्टियों के उम्मीदवारों ने बगावत का बिगुल फूंकते हुए अपनी ही पार्टियों के अधिकृत प्रत्याशियों के सामने अपनी उम्मीदवारी दाखिल कर दी है। कुछ प्रत्याशियों ने निर्दलीय प्रत्याशियों के रूप में तथा कुछ प्रत्याशियों ने दूसरी पार्टियों से उम्मीदवारी प्राप्त की है। इसके कारण जिले के 5 विधानसभा चुनाव क्षेत्रों में राजनीतिक परिस्थितियां अस्थिर हो रही है। यह स्थिति अकोला पूर्व विधानसभा चुनाव क्षेत्र, आकोट, मूर्तिजापुर, बालापुर आदि विधानसभा चुनाव क्षेत्रों की है। 15 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अकोला आगमन की संभावना व्यक्त की जा रही है। उस अनुसार से भाजपा द्वारा नियोजन किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार सभा किस जगह पर होगी उसका निरीक्षण किया जा रहा है। प्रचार के लिए कम समय, सभी का ध्यान इस ओर लगा हुआ है कि मुख्य मुकाबला किन किन प्रत्याशियों के बीच होगा। इसीलिए अभी तक किसी भी चुनाव क्षेत्र में राजनीतिक गतिविधियां तेज नहीं हो सकी है। 7 अक्टूबर की शाम से ही चुनाव गतिविधियां तेज हो सकेंगी। इसके बाद मुख्य रूप से उम्मीदवारों का चुनाव प्रचार शुरू हो सकेगा। 21 अक्टूबर को यहां विधानसभा चुनाव होने से उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार के लिए मुश्किल से 12 से 13 दिन ही मिल सकेंगे। इस तरह उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार के लिए बहुत कम समय मिल रहा है। कायम रही बुंदेली की उम्मीदवारी, 5 सूचियों में नामों पर थी आपत्ति। दरियापुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से कायम रही बुंदेली की उम्मीदवारी, 5 सूचियों में नामों पर थी आपत्ति। दरियापुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा के उम्मीदवार रमेश बुंदेले के नामांकन पर शनिवार को निर्दलीय उम्मीदवार सीमा सावले ने आक्षेप उठाया। बुंदेले के नाम 3 मतदाता सूची में होने की शिकायत उन्होंने चुनाव निर्णय अधिकारी आंबेकर से की, जिसके बाद पड़ताल कर निर्णय लिया गया। बुंदेले के नाम अमरावती, पुणे व अंजन गांव के सुरजी भंडारज गांव की मतदाता सूची में होने की शिकायत चुनाव निर्णय अधिकारी से की गई। आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखे और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उस पर खबरें भी देख सकते हैं। लिंक है ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को YouTube पर भी देख सकते हैं और इसे YouTube पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहे MNS न्यूज लाइव के साथ। नमस्कार।